जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। आज का जो मैं वीडियो लाया हूं, इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सीमेंट कहां पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज अपन देखेंगे। ये एक सीरीज़ है, इसका एक अलग दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें एडवांस टाइप के सीमेंट क्या होते हैं, वो सब कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि आने फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, चाहे वो नॉलेजेबल हो चाहे जॉब रिलेटेड हो, तो एक वीडियो मैं इसके बाद और बनाने वाला हूँ जिसपे मैं आपको बताऊँगा कि जॉब को कैसे सर्च करना है, प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब को कैसे सर्च करना है, ये इस चीज़ के बारे में बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। उस चीज़ को आप उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या बोल सकते हैं जो पास आउट हैं, वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताऊँ, सीमेंट का जो इन्वेंशन हुआ वो जोसेफ एस्पेडिन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीमेंट की खोज की थी। इंग्लैंड में पोर्टलैंड नामक एक जगह है, इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की एक जगह है, वहाँ के जो स्टोन होते थे, है ना, स्टोन सीमेंट के कलर के पाए जाते थे, इस कारण सीमेंट का जो नाम है पोर्टलैंड, जो हम लोग सुनते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये जो पेटेंट कर दिया गया नाम को पोर्टलैंड, वो इस कारण क्योंकि उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो पोर्टलैंड में हुई थी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि पहला होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। ये बेसिक पांच प्रकार के सीमेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल का जो सीमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए यूज होता है। साथ ही साथ मैं और इसको डिटेल में अपन बात करें, मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज वर्ल्ड वाइड फॉर ऑल पर्पसेस, ना ऑल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो किसी भी पर्पस के लिए हम लोग ऑल पर्पसेस, कहने का मतलब कोई भी काम हो रहा हो, चाहे ब्रिक वर्क हो रहा हो चाहे कॉन्क्रीटिंग हो रहा हो, वो आप इस ओपीसी सीमेंट द्वारा अपना काम कर सकते हैं। तो ओपीसी से अपन और क्या कर सकते हैं, मोर्टार फॉर ज्वाइनिंग मैसनरी, जो मैसनरी वर्क होता है, जो ब्रिक वर्क वगैरह उसमें यूज आता है ये, और मोर्टार बनाने के लिए भी यूज आता है। प्लास्टर टू गिव अ परफेक्ट फिनिश टू द वॉल, है ना, जो हम प्लास्टर करते हैं उसमें फिनिशिंग का जो काम होता है, है ना, जो इनर वॉल हो गया वहाँ पे आपको 12 mm प्लास्टर करना है, आउटर में 15 mm करना है, तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोग ओपीसी सीमेंट का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये काम आता है ग्राउटिंग, वॉल पुटिंग, सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स एंड डबल एसी ब्लॉक्स, है ना, ग्राउटिंग के काम भी आता है। जब हम लोग ग्राउटिंग वगैरह करते हैं, जब हमको वाटर प्रूफिंग का काम करना रहता है, जब हम वाटर टैंक स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं तो उसमें ग्राउटिंग का काम करना रहता है, तो उसके लिए भी ये सीमेंट बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट सीमेंट की हम बात करें तो वो है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं। पीपीसी हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू डिफरेंट केमिकल असॉल्ट्स ऑन कॉन्क्रीट, है ना, मतलब ये हाईली रेजिस्टिव होता है अलग अलग प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन द्वारा हमारे कंक्रीट में जो रिएक्शन होने वाले हैं उसको बचाने के लिए ये जो सीमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल कंक्रीट के काम भी आता है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो मरीन स्ट्रक्चर के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होता है। और सीवेज वर्क्स वगैरह के लिए, नाली वगैरह का अगर काम कराना है, ड्रेनेज लाइन वगैरह का काम कराना है, मान लीजिए अगर आप किसी टाउनशिप में है वहाँ पर ड्रेन लाइन वगैरह का काम है, कैनाल वगैरह का काम कराना है, तो उसमें आप इस पीपीसी को काम में ला सकते हैं। साथ ही साथ ब्रिजेस की मैं बात करूं तो ब्रिजेस के लिए भी ये बहुत यूजफुल होता है। पायर्स जो बोलते हैं हम लोग, जो पाइलिंग होती है, जो नॉर्मल डायस के लिए जो काम होता है वो पाइल होता है, उस जो ब्रिजेस के पायर्स होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक मीटर दो दो मीटर का जो डाया होता है ना, उन पायर्स का, उन सब के लिए भी ये अच्छा होता है पीपीसी। और साथ ही साथ डैम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मास कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए भी ये अच्छा होता है। मास कॉन्क्रीटिंग वर्क कहने का मतलब जहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट में कॉन्क्रीटिंग होने वाली है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग। नेक्स्ट सीमेंट की हम बात करते हैं जो कि है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाम से हम समझ पा रहे हैं कि ये जो सीमेंट है जल्दी हार्ड हो जाता होगा। जल्दी कहने का मतलब रैपिड मतलब जल्दी होता है,
और जल्दी हार्ड हो जाने वाले सीमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये आपको नॉर्मली शॉप्स वगैरह में अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये आपको सीमेंट प्लांट में ऑर्डर देना पड़ता है कि हमको इतने कंजम्पशन हमारा है, हमको इतने नंबर ऑफ बैग्स चाहिए या इतने टन में चाहिए या इतने ट्रक चाहिए, इस तरीके से आपको अपना रिक्वायरमेंट बताना होता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेड व्हेन फाइनली ग्राउंडेड C3S इज मिक्स्ड इन OPC विथ हायर ग्रेड कॉन्क्रीट, है ना। OPC जो हमारा सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसी में C3S की मात्रा को क्या करना रहता है, बढ़ाना होता है, तब जा करके ये सीमेंट हमको मिल पाता है। C3S क्या होता है, बोगस कंपाउंड होता है। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो जब जब हम सीमेंट को बनाते रहते हैं, उस समय भी जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हमको बोगस कंपाउंड फॉर्म होता है। जिस चार प्रकार के बोगस कंपाउंड होते हैं, C3S, C2S, C4AF और C3A। ये सारी चीजें क्या होती है, C3S जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। इनका अपना अपना रोल होता है, ये जो भी कंपाउंड होते हैं किसी ना किसी कंपोजिशन को कम या ज़्यादा करने से ये बनते हैं। अब कंपोजिशन कहने का मतलब, सीमेंट आपका बहुत सारे कंपोजिशन से मिल करके बना है, जैसे कि आपका लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर, एलुमिना, इन सारी चीज़ों से मिल करके सीमेंट बनता है। तो जब हम इन सबको मिलाते हैं तो किसी के प्रपोर्शन को कम या ज़्यादा करने से ये बोगस कंपाउंड आपस में कम या ज़्यादा होते हैं। तो ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, ये आपके सीसी रोड जब हम बनाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, सीसी रोड वगैरह जब हम बनाते हैं तो वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो आपका सीमेंट है वो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये एक्स्ट्रा मतलब कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसी में हमको कुछ कंपोजिशंस एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा को कम या ज़्यादा करते हैं, तब जाकर के हमको मिलता है क्या, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कहने का मतलब, ये एक तो ये स्ट्रेंथ बहुत जल्दी और क्विकली गेन कर लेता है, और वाइडली यूज इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। जहाँ अब जैसे कि जम्मू कश्मीर, अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ जैसे कि साउथ का एरिया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉइस्चर, है ना, थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो सीमेंट यूज़ हो रहा है आपका, क्या वही सीमेंट आपका जम्मू कश्मीर में यूज़ हो पाएगा? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके कंपोजिशंस अलग है। वहाँ के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन से मिलाकर आपको सीमेंट बनाना होगा, तब जा करके आप जम्मू कश्मीर में यूज़ कर पाओगे। अब जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है मान लो 6 डिग्री, 5 डिग्री। अब वहाँ पे आप नॉर्मल जो हमारा सीमेंट है उसी बैग से अपन प्लास्टरिंग कर दिए, अब वो सेट ही नहीं हो रहा है प्लास्टर। उसको प्रॉपर टाइम चाहिए ना, उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको क्यूरिंग, प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए। वो सीमेंट जो है उसके कंपोजिशंस अलग होते हैं। तो वैसे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो कोल्ड वेदर वगैरह के लिए अच्छा होता है। इट इज़ अबाउट 25% फास्टर देन डैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उससे भी 25% ज़्यादा फास्ट होता है ये सेट होने के लिए, है ना। कहने का मतलब, इसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत ही जल्दी होते हैं और ये बहुत ही जल्दी सेट होता है, नाम से ही हम समझ पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक तरह का एडमिक्सचर है ना, एडमिक्सचर है। जैसे कि एक्सेलरेटर होता है, रिटार्डर होता है, उसी तरीके से एयर एंट्रेनिंग एजेंट होता है। तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड जो, ये एक ऐसा मात्र एक ऐसा एडमिक्सर होता है जो कि एक्सेलरेटर और रिटार्डर दोनों का काम करता है। ये कैसे कि जब आप इसको 2% से ज़्यादा की मात्रा में अगर मिला दिए तो एक्सेलरेटर का काम कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, मतलब सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देगा, सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा जो भी मटेरियल है, कंक्रीट है या सीमेंट या मोर्टार है, तो वो क्या होगा, देर में सेट होगा। तो और उसी तरीके से अगर ये 2% की मात्रा से कम में है तो ये रिटार्डर का काम कर देगा, रिटार्डर का काम करेगा। कहने का मतलब, ये सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देगा, मतलब जल्दी सेट होगा, है ना। हमारा जो मेंबर है वो सेट जल्दी होगा, उसकी सेटिंग टाइम को कम कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है एक्सिलरेटर और रिटार्डर में, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट। तो इसके बाद जो है हमारा लो हीट सीमेंट, नाम से समझ में आ रहा है, जो इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जब
हीट जनरेट होगी। इसमें क्या होगी, धीरे धीरे होगी। लो हीट सीमेंट में जो हीट होती है वो धीरे धीरे जनरेट होती है। तो ये जो लो हीट सीमेंट होता है ये बनता कैसे है, प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बिलो 6%। तो ये जो हमारा C3A होता है, जो ये जो C3A होता है ना, ये सबसे पहले फॉर्म होता है इन चारों बोगस कंपाउंड में से। सबसे पहले फॉर्म होने वाला कौन सा होता है, C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और इसकी मात्रा 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको लो हीट सीमेंट बनाना है। तो बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S और साथ ही साथ जो C2S होता है इसकी प्रोपोर्शन को आपको बढ़ाना होगा। यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन होने वाला है या हो रहा है, तो हैवी कंस्ट्रक्शन में हमको या मास कंक्रीटिंग के समय, मास कंक्रीटिंग मतलब कि बहुत, जैसे कि मान लीजिए आपका डैम बन रहा है, डैम में बहुत मास कंक्रीटिंग की जरूरत होती है, मास मतलब बहुत ज्यादा और कंक्रीटिंग, ठीक है। तो ब्रिज वगैरह हो गया, उन सब की कंक्रीटिंग में आपको लो हीट सीमेंट वगैरह यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बात करूँ ग्रेविटी डैम के केस में भी हमको लो हीट सीमेंट यूज करना चाहिए। और इनिशियल सेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन OPC, जो इसकी जो सेटिंग टाइम होती है, जैसे कि सीमेंट की आपको भी पता होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम होती है जो कि 30 मिनट होती है, और फाइनल सेटिंग टाइम होती है जो कि 10 घंटा होता है। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का भी टेस्ट होता है ना, उसको परफॉर्म करने से पहले हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, तभी जा करके हमको उसकी वैल्यू मिल पाती है। सीमेंट का कोई भी टेस्ट हो आपको अगर उस सीमेंट का टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना ही होगा। और ये मैं बता दूं आपको, हमारे ब्रांच में कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और साथ ही साथ इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। और भी हम लोग टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट हो गया, स्लम्प कोन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में सीखते हैं और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, बहुत डिटेल में चलती है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो अपैरेटस दिख रहा है ये विकेट अपैरेटस है, बाजू में आपको मोल्ड दिख रहा होगा, मोल्ड के बाजू में आपको निडल्स दिख रही होंगी, जो सबसे पतली सुई टाइप की निडल दिख रही है आपको, वो इनिशियल सेटिंग टाइम मालूम करने के लिए वो निडल यूज में आती है। और आपको एक और निडल दिख रही है जो बीच में, वो 10 mm डाया की है, 10 mm डाया की, उससे हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। और जो एक और निडल दिख रही है आपको 5 mm की है, उससे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये विकेट अपैरेटस है, इससे हम लोग सेटिंग टाइम वगैरह निकालते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक 5 टाइप के सीमेंट थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस टाइप के सीमेंट देखेंगे, जैसे कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। जय हिंद, जय भारत। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप, अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ।